राज को पहाड़ों से बड़ा प्यार था। इस बार वो कुल्लू से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव में ट्रैक करके पहुंचा था। शाम हो चली थी। रुकने के लिए वो उसी बंगलों में जा पहुंचा जहां वो हमेशा रुकता था। अरे कोई है, मुझे रुकना है रात में। थोड़ी देर बाद बंगलों का चौकीदार आया। हाँ साहब, आपके लिए कमरा खोल देता हूँ, मेरे साथ आइए। खाने में क्या मिल सकता है अभी? साहब आप तो जानते ही है कि ये गांव बहुत छोटा है, मुश्किल से 15 घर होंगे। ठंड का मौसम भी है, सब अपने अपने घरों में बंद होकर आग सेक रहे होंगे। अब कुछ मिलना मुश्किल है। मैं तो सुबह से भूखा हूँ। देखता हूँ क्या मिलता है। कुछ देर बाद उसने कुछ अंडों से एग करी और चावल बनाया। आओ साहब, खाना तैयार हो गया, अब खा लो, हमें भी सोना है। खाने की मेज पर राज ने देखा कि एक दूसरा कोई खाना परोस रहा था, जिसे अब तक राज ने बंगलों में कभी नहीं देखा था, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ठीक है, मैं सोने जाता हूँ। कल सुबह 4 बजे करीब मेरी बस है, तो मुझे जगा देना, ठीक है? जी साहब, कल की बस में जरा सावधानी से जाना, सुबह 4 बजे काफी अंधेरा होता है, तो थोड़ी परेशानी होती है। चौकीदार ने जाते हुए राज को एक ऐसी नजर से देखा जैसे किसी मरे हुए आदमी की आंखें हो। रात भर बंगलों में किसी की चलते रहने की आहट होती रही। राज ठीक से सो नहीं पाया। 3:30 बज रहे थे। साहब बस का समय हो गया है, रास्ते पर खड़े हो जाओ बस के लिए, बस आता ही होगा। ये कहकर वो राज को घूरने लगा। कल का वो खाना परोसने वाला आदमी भी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। बड़ी अजीब बात है इस बंगलों की। मैंने बहुत कोशिश की दरवाजे बंद करने की, लेकिन दरवाजे इतनी ठंड में भी अपने आप खुलती और बंद होती रही। दूर से बस की हेडलाइट दिखाई दी। और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद लें। बस आ गई। राज खुश हो गया कि बस तो 15 मिनट पहले ही आ गई। बस में सिर्फ 2 ही इंसान थे। उन्होंने ठंड के कारण चद्दर से अपना चेहरा ढक रखा था। मैं कौन सी सीट पर बैठूं? कंडक्टर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इशारे से एक सीट दिखा दी। बस कितने बजे तक पहुंच जाएगी भाई? इस बार ड्राइवर ने खनकती हुई आवाज में जवाब दिया। बहुत जल्दी है क्या? पहुंच जाएगी समय से? इतनी जल्दी मैं कहीं और पहुंच गए तो क्या होगा? बस का वो दूसरा सवारी और कंडक्टर इतने जोर जोर से हंस पड़े कि काफी देर तक उनकी हंसी गूंजती रही। टिकट बना लो, तुम्हें तुम्हारे सही जगह पर हमें ही तो पहुंचाना है, जैसे हमने दूसरों को पहुंचाया है। राज ने देखा कंडक्टर के हाथों में हड्डियों की उंगलियां उसी के तरफ आगे बढ़ रही थी। बंगलों का वो चौकीदार और कल खाना परोसने वाला वो आदमी भी पीछे बैठे हुए थे। ड्राइवर सामने ना देखते हुए गाड़ी चला रहा था और पीछे उसी की तरफ देखकर चौंकाने वाली हंसी हंसने लगा था। अरे ड्राइवर, बस खाई में गिर जाएगी। ये कहता हुआ राज बस के दरवाजे से बाहर कूद पड़ा और बस पहाड़ से नीचे गहरे खाई में गिरती हुई चली गई। मैं कहाँ हूँ? घबराने की कोई बात नहीं, आपको हम लोगों ने पहाड़ के किनारे ढलन पर भी होश पड़ा पाया, फिर आपको हम लोग घर ले आए। लेकिन कल तो मैं बस में सवारी कर रहा था और मेरी बस खाई में गिर रही थी, और मुझे हल्का हल्का याद है कि मैं बस से कूद पड़ा था। आप भाग्यशाली हैं कि आप भूतों के चंगुल से बच गए। बहुत दिन पहले आज के ही दिन एक बस के उसी जगह खाई में गिरने से सबकी मौत हो गई। उसमें उस बंगलों का चौकीदार और उसका रिश्तेदार भी था। हर साल इसी दिन उस मरे लोगों की बस फिर से आती है और खाई में गिर जाती है। आपकी तरह अनजान लोगों की लाश खाई में जरूर मिलती है, लेकिन वो बस कहीं नहीं होती।